आज करेंगे हम भालवानी सॉन्ग का ब्रेकडाउन। सिंगर का नाम है जस्सा ढिलोन और म्यूजिक दिया है गुर सिद्धू ने। तो क्या हाल है भाई लोग, मैं हूँ हिमालया, सीधा हिमालया से। इस वीडियो को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप बना सकते हो पंजाबी पॉप सॉन्ग। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो इसको सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे जाके कर दो मुझे फॉलो। तो चलो बढ़ते अपने डॉ की तरफ। कोई भी गाना बनाने से पहले हम दो चीज़ें हमेशा डिसाइड करते हैं, एक उसका स्केल और दूसरा उसका टेम्पो। तो इस गाने का टेम्पो है सी शार्प माइनर और स्केल है 80। गाना बनाने से पहले हम इसको थोड़ा सा सुनेंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम इस गाने के ड्रम्स। मल्लो मल्ली तेरे वाले आउन लग पे, मल्लो मल्ली तेरे वाले आउन लग पे, मल्लो मल्ली तेरे वाले आउन लग पे, तेरे टाउन तेरे बल्ले, तेरे टाउन तेरे बल्ले, जट पलवानी गेड़ी आउन लग पे, तेरे टाउन तेरे बल्ले, जट पलवानी गेड़ी लाउन लग पे, तेरे टाउन तेरे बल्ले, जट पलवानी गेड़ी लाउन लग पे। हमारा किक का पैटर्न बन चुका है और हम करेंगे इसमें नेक्स्ट एलिमेंट यूज, वो है क्लैप। एक और क्लैप हम लेयर करेंगे। इसके बाद हम एक और एलिमेंट लेयर करेंगे जो कि है स्नेयर, जो कि हमारे इस क्लैप के पैटर्न को थोड़ा सा पंची बना देगा। मुझे इस गाने में हाई हैट भी सुनाई दे रहे हैं, अब बनाएंगे हम हाई हैट का एक पैटर्न। अगर आप इस वाले पार्ट को सुनोगे तो आपको किक के साथ राइड भी सुनाई देगा। इस गाने में जो ड्रम्स का पैटर्न है उसे हमने बना लिया है, अब बनाएंगे हम इस गाने की इंट्रो। तो सबसे पहले हम सुनेंगे कि इंट्रो में कौन कौन से एलिमेंट्स प्ले हुए हैं। अगर मैं इस इंट्रो को ध्यान से सुनता हूं तो मेरे को इसमें तीन चीजें सुनाई दे रही है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल गिटार और साथ में इसमें सारंगी और कुछ वोकल चॉप। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने कौन सा सैंपल यूज किया है सारंगी के लिए, बट मेरे पास जो सैंपल है मैं उससे ये वाला पीस बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने इस सारंगी के पीस को बनाने के लिए सिंपल अपने सैंपल को किया चॉप और इसकी तरह साउंड बनाने की कोशिश की। अब डालेंगे हम इसमें इलेक्ट्रिकल गिटार। इस इलेक्ट्रिकल गिटार को बनाने के लिए मैं करूंगा कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी का यूज। अब डालेंगे हम इसमें वोकल चॉप। इन्होंने इस जगह पे पैड्स का यूज किया है।
इस गाने में ऑलमोस्ट यही सब सैंपल है और मैं इसको करता हूँ जल्दी से अरेंज, फिर आपको सुनाता हूँ। मैंने कर लिया है इसको अरेंज। अगर आप इस वाले पार्ट को सुनोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कम एलिमेंट सुनाई देंगे। तो मैंने इस जगह पे किया है अपनी तरफ से एक साउंड यूज, तो मैं आपको उसको पहले सुनाता हूँ। तो मेरे को ये काफी ज्यादा सही साउंड लगा, तो चलो सुनते हैं अपना फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो आ गई है पसंद तो जल्दी से इसे कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से आई बटन पे कर दो क्लिक। तो चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बाय।